नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जोधपुर पश्चिम द्वारा पुलिस थाना बोरा नाड़ा में आशीर्वाद नैनो कॉलोनी पाल में महिला के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर मुख्य अभियुक्त राहुल जांगिड़ को गिरफ्तार किया। गलत संबंध उजागर होने पर की गई हत्या। पूर्व नियोजित तरीके से की गई हत्या में बेटी की पत्नी का भी हाथ। शहर के निकट बोरानाडा में पाल स्थित नैनोमैक्स आवासीय कॉलोनी में गत गुरुवार को एक वृद्धा के ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने सोमवार को खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने वृद्धा के बेटे की बहू के इशारे पर इस वारदात को अंजाम दिया। हत्या आरंभिक तौर पर पेशकश से करना सामने आया है। बेटी की बहू को फिलहाल हिरासत में नहीं लिया गया है, मगर उससे पूछताछ चल रही है। राजेश कुमार यादव, पुलिस उपायुक्त जोधपुर पश्चिम ने प्रेस वार्ता में बताया कि गलत संबंधों के चलते ये हत्या करना आरंभिक तौर पर सामने आया है। आरोपी फैक्ट्री में काम करता है, हत्या के बाद वो फरार हो गया था। पुलिस ने इस बारे में राहुल सुथार नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। गत गुरुवार को पाल स्थित नैनोमैक्स आवासीय कॉलोनी में रहने वाली वृद्धा 60 साल की संतोष पत्नी स्वर्गीय शिव सिंह की हत्या कर दी गई थी। मरने से पहले हत्यारा घर पर आया और परिचित होने के नाते वृद्धा ने उसे बैठा कर पानी पिलाया था। अब तक जांच में सामने आया कि वृद्धा संतोष के एक बेटे की पत्नी ने साजिश को रचा था। बेटे के बहू के संबंध उजागर होने का पता सास को चल गया था, जिस पर उसे ठिकाने लगाने के लिए राहुल सुथार नाम के युवक को हायर कर लिया गया था। वह मृतका संतोष को समझाने एवं बातचीत के लिए आया था, मगर बात नहीं बनी और वृद्धा उस पर चिल्लाने लगी। फिर उसका मुंह बंद कर पेचकश से गर्दन सिर के बीच में घुसेड़कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने फैक्ट्री श्रमिक राहुल सुथार को गिरफ्तार किया है। अंदर जो पाल वाला है, वहाँ पे अभी 7 तारीख को एक महिला का मर्डर हो गया था, जैसे आपको ध्यान है 60 वर्ष की महिला थी करीब। वो तो करीब 10:30 बजे उसके घर में कोई आया और एक छोटा बच्चा और महिला थी वहाँ पे, और कोई उनको मार के चला गया। किसी ब्लाइंड मर्डर टाइप था, किसी को पता नहीं था किस तरह से क्या हुआ है। पुलिस ने मेहनत की, साइबर सीम जो हमारी है उसने भी काफी इसमें अहम रोल अदा किया। हमारे SHO, CO, एडिशनल SP ने काफी काम करके उसको प्रसंग को खत्म कर दिया। और ये जो झगड़ा, ये जो मर्डर हुआ था, ये जो इसकी मृतका की जो पुत्रवधु थी मोना कंवर, उसके प्रेम प्रसंग के चलते हुए हुआ था। और उसमें राहुल जो है जांगिड़, इसको गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, लाके घटना का खुलासा कर दिया गया। पुत्रवधु को क्या किया है 120 में? नहीं, अभी गिरफ्तार नहीं किया है, करेंगे। तफ्तीश जारी है अभी। पूर्व भी कोई मुकदमा वगैरह चल रहे हैं या नहीं है? ऐसा भी मुकदमा नहीं।